सर्व जातीय सर्व खाप महिला महापंचायत की मकडोली गांव में 8 सितंबर 2022 को एक मीटिंग हुई, जिसका संचालन राजेश देवी ने किया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर निर्मला चौधरी ने की। डॉक्टर निर्मला चौधरी ने बताया कि समाज के लिए महिला का जागरूक होना जरूरी है। महिला जब कदम आगे बढ़ाती है तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है, राष्ट्र आगे बढ़ता है। समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों के प्रति उनका जागरूक होना जरूरी है। दहेज प्रथा, शिक्षा, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार जैसी बुराइयों को जड़ से समाप्त करना होगा, तभी महिला की स्थिति में सुधार हो सकता है। उन्होंने बताया कि आज महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण मिल चुका है, इसलिए महिला खाप की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दहिया का भी यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पंचायती राज से ही आगे बढ़ाया जाए। आज हमारी हमारी मारी हुई है, थोड़ी सी वैसे भी इस फील्ड में है, थोड़ा बहुत करती है, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने आप को सुधार है कि मतलब जैसे आप महिला महिला नहीं है, लेकिन किसी भाई के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी के बेटे के साथ आ रही है, किसी के मामाद के साथ आ रही है, तो हम उनके साथ हुई है, क्योंकि उसको परेशान करने वाले को कोई ना कोई महिला ही पाई, तो हमें उनको साथ लेके चल रहे हैं, हमने सच्चाई के साथ और अच्छाई के साथ। अब इस पर हम जो गाँव में जा रहे हैं तो उनकी आ रहा है मानूस है कि सब लोग बता रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, एक दिन साथ ऐसे ऐसे होता है हमें होता है अपना तो किसी का अपने पर बुराई लेते हैं, तो हम क्या करते हैं दूसरे पक्ष से भी पूछे। मुख्य रूप से कविता मलिक, सरोज, रेनू, मुन्नी, अनीता, गुणवती, लक्ष्मी, ऋतु आदि बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया।